गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आप सभी देख रहे हो कि हम लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं। आज सैटरडे है, DRM ऑफिस बंद होता है। लास्ट वीकेंड मैं घर गया था, इस वीकेंड हम लोग का प्लान हुआ है कि हम लोग अमरकंटक घूमने जा रहे हैं। तो निकल पड़े हैं, अभी सुबह 7 बज रहे हैं, 7:45 में ट्रेन है बिलासपुर स्टेशन से। तो वहाँ से हम लोग पेंड्रा रोड जाएंगे और उसके बाद से ट्रेन नहीं चलती है, पहाड़ी इलाका है। तो हम लोग उसके बाद बाई बस या बाई प्राइवेट व्हीकल जाएंगे, जिसको हायर करना पड़ेगा। तो हमारे साथ सरबजीत हैं, मेरे रूम से मैं और सरबजीत जा रहा हूँ, और बाकी फ्रेंड्स आशीष दिवाकर और हमारे प्रिय तिवारी सर भी जा रहे हैं हमारे साथ, नीलामणि भी है। तो इतने सारे लोग हैं, तो मिलेंगे सबसे एक एक करके। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि हम लोग निकले तो थे ट्रेन पकड़ने के लिए 7:45 में, पर किस्मत देखो ट्रेन छूट गई। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑटो पकड़ के नेहरू चौक आया कि हम लोग बस से जाएंगे, लेकिन किस्मत से हमारे देखिए हमारे प्यारे भैया मिल गए, जो कि हमें अमरकंटक ले जा रहे हैं। वो भी घूमने के लिए ही जा रहे थे, तो किस्मत अच्छा है हमारा। तो हम लोग 4-व्हीलर से निकल चुके हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं, मौसम बहुत ही अच्छा है। चलो मैं तुमको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ। ये देखो, हम लोग निकल चुके हैं पेंड्रा रोड होते हुए, हम लोग सीधे अमरकंटक पहुँचेंगे और हमारे दोस्त ट्रेन से पेंड्रा रोड उतरेंगे और उसके बाद वो लोग वहाँ से बाई एनी रूट वो शायद अमरकंटक आएंगे। तो मिलेंगे उन लोगों से वहीं पे। चलते चलते अभी केंदा की ओर पहुंच चुके हैं और ये केंदा का जंगल है। सामने एक पहाड़ी सा भी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इस नज़ारा को भी कैप्चर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे, इसका कैप्चर कर ले रहा हूँ। देख लो, काफ़ी सुंदर है। और नीलमणि भी यहाँ बैठा हुआ है, देख लो। हाई कर दो भाई, और बताओ कैसा लग रहा है? एकदम बढ़िया, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भैया, मज़ा आ रहा है ना? तो दोस्तों, हम लोग केंदा पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हम लोग रुके थे नाश्ता वास्ता करने के लिए, तो नाश्ता वास्ता हो गया है, फिर अब हम लोग निकल रहे हैं। भाई दोस्तों, आज तो मजा ही आ गया यार। देखो झमाझम बारिश हो रही है, कारियाम घाटी में हम लोग हैं, उतार चढ़ाव बड़ा रास्ता है, मजा आ रहा है एकदम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने 2 मिनट का हॉल्ट लिया है केउची के पास। तो देखो, ये छोटा सा ढाबा टाइप का है और यहाँ पे देखो वो इधर से तुमको दिख रहा होगा, वो अचानक कमाल टाइगर रिजर्व है। तो भैया बता रहे थे कि उधर से एक जाने का रास्ता है, वो बंद हो चुका है, एक बहुत ही सुंदर है। तो फिलहाल तो हम लोग उसमें नहीं जा पाएंगे। तुम लोगों ने GK वगैरह में पढ़ा होगा अचानक कमाल टाइगर रिजर्व, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वही है वो। तो दोस्तों देखो, हम लोग केउची घाटी में हैं अभी। वो ये रोलर कोस्टर जैसा रास्ता है इधर उधर, काफ़ी मज़ा आ रहा है इस रास्ते पर चलने में, और सेफ्टी भी इंश्योर कर रहे हैं हम लोग, और ज़रूरी भी है ऐसे रास्ते पर चलने में सेफ्टी इंश्योर करना। सनरूफ से बाहर आया हुआ हूँ, देखो और इधर का नज़ारा देखो, अद्भुत नज़ारा है, गजब का मज़ा आ रहा है, क्या बताऊँ। ये देखो आगे का रास्ता, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ खाई है, अलग ही एक्सपीरियंस है। सनरूफ से बाहर आया हुआ हूँ, अलग ही मज़ा आ रहा है। इसको रिकॉर्ड करना तो बनता ही था, तो मैंने रिक्वेस्ट किया भैया से कि सनरूफ से बाहर जा सकते हैं क्या, तो उन्होंने भी पूरा ये दिया। बहुत ही अच्छा लग रहा है, चश्मा खोल के देखने का अच्छा मजा है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है आँखों में, ऐसा तुमको दिखा भी होगा। तो चलो दोस्तों, मैं चश्मा खोल के थोड़ा सा इन्जॉय कर लेता हूँ, उसको रिकॉर्ड नहीं करूँगा। ठीक है भाई, मिलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग अमरकंटक पहुँच चुके हैं। तो ये अमरकंटक बस स्टैंड चौराहा है, वहाँ पे उधर देखो अगर दिख पा रहा है तो स्टैचू बना हुआ है, और वो उधर सोनमुड़ा वगैरह जाने का रास्ता, जहाँ से सोन नदी का उद्गम होता है, और वाटरफॉल्स वगैरह भी हैं। तो ये व्लॉग लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। उसमें तुमको बिलासपुर से हमारा जर्नी अमरकंटक तक का दिखेगा, और नेक्स्ट व्लॉग एक बनाऊंगा यहाँ से आगे तक का जर्नी के लिए, कि जहाँ जहाँ भी हम लोग घूमने जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग में इतना काफ़ी है। मैं और नीलमणि यहाँ तक आ चुके हैं, बाकी मेरे फ्रेंड्स का इंतजार कर रहे हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।